ডক্টর উমাকান্ত ব্যাস, লেকচারার ইন ইংলিশ, গভর্নমেন্ট উইমেন্স পলিটেকনিক কলেজ, বিকানির। আই ওয়েলকাম ইউ অল ইন দ্য ই লার্নিং অফ ইটিসি অ্যান্ড এলআরডিসি। স্টুডেন্টস অ্যান্ড ভিউয়ার্স, আজ হাম এক বিষয় লেনে যা রে হ্যায় জো ডিপ্লোমা মে ফার্স্ট ইয়ার মে কমিউনিকেশন স্কিলস মে লগতা হ্যায়। টপিক কা নাম হ্যায় নরেশন। তো इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं कुछ बेसिक बात आपको बता देता हूँ। नरेशन इस विषय को कई अलग नामों से जाना जाता है। इसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी कहा जाता है, रिपोर्टेड स्पीच भी कहा जाता है, इनडायरेक्ट स्पीच भी कहा जाता है। तो इनके पीछे क्या रीजन है, ये नाम क्यों है, इसको भी मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। नरेशन इज एन आर्ट ऑफ स्टेटिंग समबडीज व्यूज इन योर ओन वर्ड्स। डायरेक्ट स्पीच इसको कहा जाता है या डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहा जाता है। तो डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, किसी भी स्पीकर के ओरिजिनल स्पीच को डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। और इनडायरेक्ट स्पीच होता है कि आप किसी स्पीकर के कहे हुए शब्दों को आप अपने शब्दों में कहते हो, वो इनडायरेक्ट स्पीच होता है। तो बोलचाल की भाषा में कह सकते हैं, या हम इस विषय के हिसाब से अगर कहें तो डायरेक्ट स्पीच को कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदला जाता है, हम इस विषय में यहाँ पर सीखेंगे। ठीक है, तो यहां से हम इस विषय को शुरू करते हैं। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, ही सैड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू आर वाइज। ये जो सेंटेंस है ये डायरेक्ट स्पीच का पार्ट होता है। डायरेक्ट स्पीच की विशेषता ये होती है कि इसमें जो स्पीच है उसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखा जाता है, और ये डायरेक्ट स्पीच की पहचान है। हम इस विषय में क्या करेंगे कि डायरेक्ट स्पीच से किस तरीके से इसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदला जाता है, हम इस विषय में सीखेंगे। इससे पहले कुछ मैं टर्मिनोलॉजी आपको बताता हूं जो जाननी जरूरी है इस विषय के लिए। सबसे पहले हम देखते हैं ये जो पार्ट है, जो इस इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला पार्ट है, इसको क्या कहते हैं। इसको हम कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब, जिसको हम शॉर्ट में आरवी लिखेंगे। और जो हिस्सा इस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा हुआ है, इससे हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, इसको हम शॉर्ट में आरएस लिखेंगे। यहां पे ये जो दिया हुआ है ये होता है सब्जेक्ट, हम इसको स्पीकर भी कहते हैं, सब्जेक्ट और स्पीकर। ये जो हिस्सा है ये होता है ऑब्जेक्ट, और इसको हम लिसनर भी कहते हैं। ये चार टर्म हमें समझनी जरूरी है, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच, सब्जेक्ट और स्पीकर, और ऑब्जेक्ट और लिसनर। ये टर्म हम इस विषय में बार बार प्रयोग में लेंगे। सो नाउ टेकिंग दिस सेंटेंस एज ए स्पेसिमैन, वी विल डिस्कस ऑल द रूल्स एंड अप्लाई ऑल द रूल्स हेयर इन दिस वीडियो। तो यहां से हम शुरू करते हैं। ये एक सेंटेंस आपके सामने दे रखा है, क्योंकि जो आपके ये रिपोर्टेड स्पीच है ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो हम इसी को बेस लेते हुए कि एक अफर्मेटिव सेंटेंस को किस तरीके से इनडायरेक्ट में बदला जाता है, इसको बेस लेते हुए हम इस विषय को शुरू करते हैं। सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब में जो सब्जेक्ट या स्पीकर होता है या ऑब्जेक्ट या लिसनर होता है, ये कभी नहीं बदलते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब में जो बदलने वाला पार्ट है वो होता है सैड टू, इसको हम बदलेंगे। तो इस सैड टू को बदलने के लिए क्या रूल है, इसको मैं यहां शॉर्ट में आपको बताता हूं। सैड टू को एक तो बदला जाता है टोल्ड में, और टोल्ड में कब बदला जाता है, जब इन्वर्टेड कॉमा का पहला शब्द ये कोई नाउन या प्रोनाउन हो, या मैं इसको अलग शब्दों में कहूं, इफ द सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच इज अ स्टेटमेंट एन असर्शन, मतलब एक अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, तो ये सैड टू को टोल्ड में बदला जाता है। तो हम यहां लिख सकते हैं, इफ द फर्स्ट वर्ड ऑफ इन्वर्टेड कॉमा इज नाउन और प्रोनाउन, तो इसका मतलब यहां पे यू है, एक प्रोनाउन है, इसको
इसके होने के कारण से ये सेड टू को हम बदलेंगे टोल्ड में, और ऑब्जेक्ट में जैसा मैंने बताया इट विल रिमेन द सेम, इट विल नॉट चेंज। यहां तक हमने रिपोर्टिंग वर्ब को बदला है। इस रूल के साथ में मैं आपको एक और रूल इसी के साथ में अटैच कर देता हूं, वो रूल है सैड टू को और किस में बदला जाता है। इसके लिए सैड टू दिस इज चेंज्ड इनटू आस्क्ड, लेकिन ये कब बदला जाता है इसी को मैं यहीं पे एक शॉर्ट में बता देता हूं। अगर इन्वर्टेड कॉमा का पहला शब्द अगर कोई हेल्पिंग वर्ब है या डब्ल्यू एच वर्ड है तो इस सैड टू को आस्क्ड में बदला जाता है। तो हम इस शॉर्ट में यहां लिख देते हैं, इफ द फर्स्ट वर्ड ऑफ इन्वर्टेड कॉमा इज हेल्पिंग वर्ब और डब्ल्यू एच वर्ड, या इसको मैं इस तरीके से कहूं कि अगर रिपोर्टेड स्पीच इंटेरोगेटिव होता है, प्रश्नवाचक वाक्य यहां पे होता है, तो सैड टू को आस्ट में बदला जाता है, और अगर ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, कोई स्टेटमेंट दे रखा है, तो ये सैड टू टोल्ड में बदला जाता है। इस वाक्य को उदाहरण में रखते हुए पहले हम सैड टू को टोल्ड में बदलते हैं और आगे के जो चेंजेस होने हैं उसको देखते हैं। ये हुआ रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज। अब हम देखते हैं कि ये रिपोर्टिंग वर्ब था, ये रिपोर्टेड स्पीच था, इन दोनों को अभी कनेक्ट किया हुआ था पंक्चुएशन से, लेकिन जब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदला जाता है तो ये पंक्चुएशन हटा दिया जाता है, क्योंकि अब ये ओरिजिनल स्पीकर का स्पीच नहीं है, अब इसको हम बदल रहे हैं, तो हमें ये इन्वर्टेड कॉमा भी हटाना पड़ेगा, और ये जो पंक्चुएशन जिससे जुड़ा हुआ है कॉमा से, ये भी हटाना है। तो इस रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जब जोड़ना है तो इसको जोड़ने के लिए हम एक वर्ड का प्रयोग करते हैं, वो होता है कनेक्टिव। तो इन दोनों को जोड़ने के लिए हम कनेक्टिव का प्रयोग करेंगे। तो सेकंड हम रूल में चलते हैं, पहला रूल था सेट टू को बदलने का नियम, दूसरा रूल होगा कनेक्टिव को बदलने का नियम। तो इसको बदलने के लिए हम कनेक्टिव के बारे में एक छोटा सा रूल देखते हैं, बहुत ही आसान रूल है। सेट टू को बदलने के बाद में सेकेंड रूल आता है कनेक्टिव को बदलने के नियम। कनेक्टिव के लिए पहला रूल होता है, कनेक्टिव पहला लगता है दैट। दैट कनेक्टिव के लिए रूल ये होता है, जो रूल आपने सेड टू को टोल्ड में बदलने के लिए देखा था वही रूल यहां पे अप्लाई होगा, कि अगर इन्वर्टेड कॉमा का पहला शब्द कोई नाउन या प्रोनाउन हो तो कनेक्टिव दैट का प्रयोग होगा। ठीक है, तो हम इसी को देखते हैं, इफ द फर्स्ट वर्ड ऑफ इन्वर्टेड कॉमा इज नाउन और प्रोनाउन, तो हमें कनेक्टिव दैट का प्रयोग करना है, और जैसे हम जानते हैं कि यहाँ पे प्रोनाउन दे रखा है तो हम कनेक्टिव यहाँ पर दैट को लगा देते हैं। इसी के साथ में हम एक और कनेक्टिव देख लेते हैं जो आगे काम आएगा, वो कनेक्टिव है आपके इफ और वेदर। इसके लिए क्या रूल है, अगर इन्वर्टेड कॉमा का पहला शब्द कोई हेल्पिंग वर्ब हो तो कनेक्टिव इफ या वेदर कोई भी एक प्रयोग होगा। तो हम यहां पे लिखते हैं कि अगर इन्वर्टेड कॉमा का पहला शब्द कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो तो कनेक्टिव इफ या वेदर लगेगा। थर्ड एक और हम कनेक्टिव देख लेते हैं, डब्ल्यू एच वर्ड। इसका रूल ये है कि इन्वर्टेड कॉमा का पहला शब्द यहां पर फर्स्ट वर्ड कोई भी डब्ल्यू एच वर्ड हो। अब डब्ल्यू एच वर्ड होता क्या है, कोई भी क्वेश्चन वर्ड जो या तो डब्ल्यू से स्टार्ट होता है या एच से स्टार्ट होता है, जैसे वाई, वैन, वेयर, हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ फार। तो यहां पे कोई भी डब्ल्यू एच वर्ड हो तो ये कनेक्टिव हम यहां पर वही डब्ल्यू एच वर्ड यूज करेंगे, अब वो क्वेश्चन वर्ड नहीं रह करके एक कनेक्टिव बन जाएगा, ये अंतर होता है। तो इन्वर्टेड कॉमा का पहला शब्द कोई भी डब्ल्यू एच वर्ड होता है तो वो डब्ल्यू एच वर्ड अब कनेक्टिव के रूप में वहां पर प्रयोग होगा। तो इस सेंटेंस को बेस में रखा है हमने, ही टोल्ड मी दैट, दैट कनेक्टिव हमने देख लिया। ये तीन कनेक्टिव हम आने वाले और एग्जाम्पल्स में देखेंगे, सेंटेंसेस में देखेंगे। अब इससे आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट रूल हम देखते हैं प्रोनाउन को बदलने के नियम, क्योंकि हमारे यहां पर रिपोर्टेड स्पीच का पहला शब्द एक प्रोनाउन है। तो थर्ड रूल हम देखते हैं, चेंजेस इन प्रोनाउन। चेंजेस इन प्रोनाउन में मैं एक आपके सामने एक छोटी सी टेबल लिखता हूं और उसको फिर समझाता हूं।
प्रोनाउन होते हैं आई, वी, यू, ही, शी, दे, इट। ये होता है सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का। हम इसको यहां पर फर्स्ट फॉर्म करके बोलेंगे, प्रोनाउन की फर्स्ट फॉर्म। इसका सेकेंड फॉर्म होती है माय, इसको कहते हैं पजेसिव केस ऑफ प्रोनाउन। और थर्ड फॉर्म होती है मी, जिसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। इसी तरीके से वी के लिए होता है वी आर, अस, यू, योर, यू, ही, हिज, हिम, शी, हर, हर, दे, देयर, देम, इट, इट्स, इट। ये सारे प्रोनाउन विद देयर रिस्पेक्टिव फॉर्म्स, सब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस। नाउ लेट्स सी स्टूडेंट्स, ये जो आई, माई, मी, वी, अवर, अस, दीज आर कॉल्ड फर्स्ट पर्सन। यू, योर, यू, दीज आर कॉल्ड सेकेंड पर्सन। और ये रिमेनिंग जितने भी है इनको हम कहते हैं थर्ड पर्सन। इनको बदलने के लिए क्या रूल है? जो फर्स्ट पर्सन है आई, माई, मी, वी, अवर, अस, इनको बदलने का रूल होता है कि ये सब्जेक्ट या स्पीकर इसके अनुसार बदलते हैं। इसका मतलब इस हिस्से में, रिपोर्टेड स्पीच में, कहीं पे भी आई, माई, मी, वी, अवर, अस, ये 6 शब्द आते हैं तो इसको बदलना है तो हमें इसको देखना होगा, और ये यहाँ पे जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म को इसको लेकर आना होगा। ठीक है, अब सेकेंड रूल है सेकेंड पर्सन को बदलने का रूल। मतलब इस रिपोर्टेड स्पीच में कहीं पे भी यू, योर, यू आता है उसको हम बदलेंगे लिसनर या ऑब्जेक्ट के अनुसार। जैसा इस सेंटेंस में हमें यू मिला हुआ है, और जो थर्ड पर्सन है ही, हिज, हिम, शी, हर, हर, दे, देयर, देम, इट, इट्स एंड इट, इनको अगर ये रिपोर्टेड स्पीच में कहीं पे भी होता है तो इनको नहीं बदला जाता है। इसका मतलब ये एज इट इज, ये 12 शब्द है, ये अगर यहां पर आते हैं तो इनको हमें नहीं बदलना है। हमें बदलना है सिर्फ इन 9 शब्दों को, और 9 शब्दों के लिए 6 शब्द बदलेंगे सब्जेक्ट या स्पीकर के अनुसार, और ये 3 शब्द बदलेंगे लिसनर या ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब जैसे यहां पर यू दे रखा है, दिस इज अ सेकेंड पर्सन एंड दिस इज चेंज अकॉर्डिंग टू योर ऑब्जेक्ट और लिसनर, इसके अनुसार बदलेंगे। अब यू सेकेंड पर्सन है और अपनी फर्स्ट फॉर्म सब्जेक्टिव केस में है, तो हमें इसकी सब्जेक्टिव केस और फर्स्ट फॉर्म लेकर आनी है। तो मी की फर्स्ट फॉर्म होती है आई, हमें इस तरीके से इनको बदलना होगा। यहां यहां पे जो भी होगा उसकी फर्स्ट फॉर्म लेकर आनी है। चाहे जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ये कहते हैं ही सेड टू हर, अगर होता है यहां पर तो हर की फर्स्ट फॉर्म शी हमें यहां पर लेकर आना होता। अगर यहां पर फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं देम होता तो दे करते, ठीक है, तो यू को बदलने का ये रूल हुआ। और थर्ड पर्सन कभी नहीं बदलते हैं। अभी इस सेंटेंस के हिसाब से ये इस रूल को मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं। जो फर्स्ट पर्सन है आई, माई, मी, वी, अवर, अस, दीज आर फर्स्ट पर्सन एंड दीज आर चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और स्पीकर, इसके अनुसार बदलेंगे। सेकेंड यू, योर, यू, दिस इज कॉल्ड सेकेंड पर्सन एंड दिस इज चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट और लिसनर। एंड थर्ड पर्सन ऑल दीज सब्जेक्ट दीज आर नॉट चेंज्ड इन रिपोर्टेड स्पीच, इनको नहीं बदला जाता है। अब इस रूल को यहीं पर हम रोकते हैं और आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट रूल होगा टेंस को बदलने के नियम। तो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट रूल, चेंजेस इन टेंस, दिस इज द फोर्थ रूल, चेंजेस इन टेंस। इसके लिए एक बहुत बड़ी टेबल है जो आपको अभी ये दिखाई दे रही है। अब होता क्या है, इसको मैं शॉर्ट में भी एक्सप्लेन कर देता हूं इस टेबल को। और इसको बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि पूरा प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इनडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये पूरा प्रेजेंट टेंस पूरे पास्ट टेंस में बदलता है। मतलब प्रेजेंट इनडेफिनिट प्रेजेंट पास्ट इनडेफिनिट में बदलेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में बदलेगा। ठीक है, तो एक शॉर्ट में मैं यहां पे लिख देता हूं, प्रेजेंट इनडेफिनिट ये बदलता है पास्ट इनडेफिनिट में। इसका मतलब अगर रिपोर्टेड स्पीच में कहीं पे भी फर्स्ट फॉर्म एस एंड एस आ रखा है, दिस विल चेंज इनटू सेकंड फॉर्म। सिर्फ इज आर एम एज अ फर्स्ट फॉर्म ऑफ बी अगर आ रखा है तो ये बदलता है वॉज
वर्म है, ठीक है। अगर डू डज प्लस फर्स्ट फॉर्म आ रखा है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ये बदलेगा सेकेंड फॉर्म में। तो इसी तरीके से प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस में बदलेगा, इज आर एम प्लस एन जी वॉज वर्ब प्लस एन जी में बदलेगा, हैज एव प्लस थर्ड फॉर्म हैड प्लस थर्ड फॉर्म में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में बदलेगा, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलेगा। मतलब हैज हैव प्लस बीन प्लस आई एन जी, इसको बदलेंगे हैड बीन प्लस आई एन जी में, तो पूरा प्रेजेंट पूरे पास्ट में बदल गया। फिर आता है पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट बदलता है पास्ट परफेक्ट में, पास्ट इंडेफिनिट दिस चेंजेस इट टू पास्ट परफेक्ट, मतलब सेकेंड फॉर्म है वो हैड प्लस थर्ड फॉर्म में बदलता है। सिर्फ वॉज या वर एज अ सेकेंड फॉर्म ऑफ बी अगर आ रखा है तो ये बदलता है हैड बीन में। पास्ट कंटिन्यूअस ये बदलता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। फिर आता है पास्ट परफेक्ट, ये अगर रिपोर्टेड स्पीच में यहां पर है तो ये कभी नहीं बदलता, एज इट इज रहता है। वैसे ही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ये भी नहीं बदलता है, इसको एज इट इज यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस के लिए देखिए, शैल और विल इसको बदला जाता है शुड और वुड में। इसी तरह मे और कैन है ये बदलते हैं माइट और गुड में। लेकिन अगर रिपोर्टेड स्पीच में शुड या वुड आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल रिपोर्टेड स्पीच में यहां पर शुड है, डायरेक्ट स्पीच में अगर आपको शुड या वुड मिला है जब इसको बदलते हैं तो यहां पर नो चेंज। इसका मतलब अगर रिपोर्टेड स्पीच में यहां पर कहीं पे भी आपको शुड वुड माइट और कुड मिलता है तो इनको बिना चेंज किए एज इट इज लिख दिया जाता है, ये कभी नहीं बदलते। ये टेंस के बारे में ओवरव्यू है जिसकी आपको भी मैंने ये स्लाइड बताई है, इसमें आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। हम इसी सेंटेंस को बेस में रखा हुआ है तो अब इसको चेंज करके देखते हैं। यू को हमने बदल दिया, अब आता है आर को बदलना है। आर बी की फर्स्ट फॉर्म है इज आर एम, तो इसको बदलना है, ये बदलता है जैसे हमने टेबल में देखा इज आर एम बदलता है वॉज वर्ब में, तो आई के साथ में वॉज या वर्ब में से क्या लगेगा वॉज, आई वॉज, ये सब एज इट इज वाइज यहां पर रह जाएगा। तो इस तरीके से हमने जो चार चेंजेस देखे हैं उन चार चेंजेस से ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है वो हमने बदल दिया। एक एग्जाम्पल और देखते हैं और उन्हीं रूल्स को हम रिपीट करेंगे। शी सेड टू हिम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम योर बॉस, आई एम योर बॉस, इस सेंटेंस को बदलना है। अब हम चारों रूल जो हमने अभी तक पढ़े हैं उनको एक रिवीजन की तरह देखते हैं और आप इस वीडियो को रिपीट करके देखना कि किस तरीके से हम अप्लाई कर रहे हैं। सब्जेक्ट चेंज नहीं होगा। फिर आता है सैड टू को बदलना है। सेट टू का रूल मैंने बताया कि अगर इन्वर्टेड कॉमा का फर्स्ट वर्ड इफ दिस इज एनी नाउन और प्रोनाउन दिस सेट टू इज चेंज इन टू टोल्ड। फिर हिम ऑब्जेक्ट और लिसनर नहीं बदलता। शी टोल्ड हिम, अब हमें यूज करना है कनेक्टिव। कनेक्टिव का रूल हमने पढ़ा, इफ द फर्स्ट वर्ड ऑफ इन्वर्टेड कॉमा इज एनी नाउन और प्रोनाउन द कनेक्टिव दैट इज यूज्ड, ये हमने दैट यूज कर दिया। अब हमें बदलना है प्रोनाउन को, जो हमने रूल नंबर थर्ड पढ़ा था, आई को बदलना है। आई क्या है फर्स्ट पर्सन, ठीक है, फर्स्ट पर्सन मैंने बताया आई माई मी वी ओवर अस, ये बदलते हैं सब्जेक्ट के अनुसार। तो इसका मतलब आई को हमें बदलना है शी के अनुसार, ये अपने सब्जेक्टिव केस में है, ये भी सब्जेक्टिव केस में है, तो इस शी को एज इट इज यहां पर लिख दिया जाएगा शी। अब हमें बदलना है एम को। एम है बी की फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म बदलती है सेकंड फॉर्म में, प्रेजेंट इंडेफिनेट बदलता है पास्ट इंडेफिनेट में, शी तो इज आर एम बदलेगा वॉज वर्ब में, शी के साथ यूज होगा वॉज। नेक्स्ट आता है योर, योर है सेकंड पर्सन पजेसिव केस, या मैं कहूं सेकंड पर्सन सेकंड फॉर्म,
ये बदलता है सुनने वाले के अनुसार। सुनने वाला है हिम, तो इसकी जो सेकंड फॉर्म पजेसिव केस है वो होती है हिज, शी वॉज हिज बॉस। तो अभी जो हमने चार चेंजेस देखे हैं, चार रूल देखे हैं, उस हिसाब से हमने इस एक और अफर्मेटिव सेंटेंस को बदला है। अब इसके बाद में एक और हम एग्जाम्पल देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस का, उसमें देखते हैं कि किस तरीके से ये चेंजेस होते हैं। अब हम एक नया एग्जाम्पल लेते हैं और सेंटेंस टाइप भी बदलते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस को बदलना। एग्जाम्पल देखते हैं, शी सेड टू मी हैव यू टेकन मील, हैव यू टेकन मील। अब ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। कुछ चेंजेस जो हमने अभी रूल्स पढ़े थे उसमें हम एक्स्ट्रा जो चेंजेस हमने देखे थे वो अब यहां पर देखते हैं। सब्जेक्ट लिखेंगे शी, हमें बदलना है सैड टू को। हमने सैड टू के सेकंड रूल में देखा था कि अगर इन्वर्टेड कॉमा का पहला शब्द कोई हेल्पिंग वर्ब या WH वर्ड होता है तो सैड टू बदलता है आस्ट में। सैड टू हमने बदल दिया आस्ट में, ऑब्जेक्ट नहीं बदलता, इसको एज इट इज हम यहां पर देख देंगे। शी आस्ट मी। अब हम सेकंड रूल देखते हैं, कनेक्टिव का रूल। कनेक्टिव का रूल हमने देखा था कि अगर इन्वर्टेड कॉमा का पहला शब्द, इफ वी हैव एनी हेल्पिंग वर्ब हेयर, कनेक्टिव इफ और वेदर इज यूज्ड, सो हेयर आई मार्क इफ एज अ कनेक्टिव। शी आस्ट मी इफ। एक बेसिक कॉन्सेप्ट हमें समझना है कि डायरेक्ट स्पीच में हम इंटरोगेटिव सेंटेंस लिखते हैं, यूज करते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच में वो इंटरोगेटिव सेंटेंस इंटरोगेटिव नहीं रहता, स्टेटमेंट में बदल जाता है। और इस कंडीशन में जो हेल्पिंग वर्ब पहले यूज हुई थी, अब वो हेल्पिंग वर्ब पहले यूज नहीं होगी, पहले सब्जेक्ट यूज होगा, एज पर द रूल्स ऑफ अफर्मेटिव और सेंटेंस और एनी स्टेटमेंट। तो हमें पहले सब्जेक्ट को बदलना है। सब्जेक्ट आपका है यू, यू सेकेंड पर्सन है, हमने पढ़ा था। इसको हम बदलेंगे सुनने वाले के अनुसार। तो यू सेकेंड पर्सन फर्स्ट फॉर्म, मी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, आई, इफ आई। फिर हमने रूल देखा था चेंजेस इन टेंस, फोर्थ जो रूल हमने देखा था, टेबल देखी थी, उसमें हमने पढ़ा कि हैज हैव और थर्ड फॉर्म, इसको हम बदलते हैं हैड प्लस थर्ड फॉर्म में। यहां मैं कहूं कि प्रेजेंट परफेक्ट को बदलते हैं पास्ट परफेक्ट में। इफ आई हैड टेकन मील फुल स्टॉप। ये भी इंपॉर्टेंट रूल है, यहां पर ध्यान में रखना। जैसा मैंने कहा कि डायरेक्ट स्पीच में इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है, दैट्स वाई वी यूज पंक्चुएशन मार्क क्वेश्चन मार्क। बट इन इनडायरेक्ट स्पीच वी चेंज दिस इंटरोगेटिव इन टू अ स्टेटमेंट, एंड दैट्स वाई वी विल नॉट यूज क्वेश्चन मार्क, वी विल यूज फुल स्टॉप हेयर, बिकॉज दिस इज नाउ अ स्टेटमेंट, दिस इज एन असर्शन। तो ये हमने चेंज किया है इंटरोगेटिव सेंटेंस को। इसी के कॉरेस्पॉन्डेंट हम कॉरेस्पॉन्डेंस में हम एक और रूल सेंटेंस देखते हैं, लेकिन वो हम देखेंगे WH वर्ड का सेंटेंस, जो इंटरोगेटिव सेंटेंस वो किस तरीके से बदलता है इनडायरेक्ट स्पीच में। शी सेड टू हिम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा व्हाई आर यू क्राइंग, व्हाई आर यू क्राइंग। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, बट दिस इंटरोगेटिव सेंटेंस इज मेड अप ऑफ WH वर्ड। कुछ चेंजेस होंगे इसमें। शी सैड टू को बदलना है WH वर्ड या हेल्पिंग वर्ब अगर होता है इन्वर्टेड कॉमा का पहला शब्द। ये हमें रूल बार बार रिपीट करना होगा जो मैंने स्टार्ट में बताया था कि सैड टू को अगर इन्वर्टेड कॉमा का पहला शब्द कोई नाउन प्रोनाउन है तो सैड टू बदलता है टोल्ड में। अगर यहां पे कोई हेल्पिंग वर्ब WH वर्ड है तो सेट टू बदलता है आस्ट में। तो शी आस्ट हिम। सेकंड रूल आता है कनेक्टिव का। कनेक्टिव में हमने उस टेबल में थर्ड रूल देखा था कि अगर इन्वर्टेड कॉमा का पहला शब्द कोई WH वर्ड है तो वही WH वर्ड फिर एक कनेक्टिव बन जाएगा। तो इसका मतलब ये जो वाई है ये अब WH वर्ड नहीं रहकर के कनेक्टिव के रूप में यहां पर यूज होगा। वाई आ गया। यहाँ पे भी वही रूल अप्लाई होगा कि डायरेक्ट स्पीच में इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है, इनडायरेक्ट में स्टेटमेंट होता है। तो उस रूल से हमें सब्जेक्ट को पहले चेंज करना होगा। सब्जेक्ट है आपका यू, इसको फिर से हमें बदलना है सुनने वाले के अनुसार।
सुनने वाला है हिम, तो हिम का सब्जेक्टिव केस होता है यू, ही, वाई ही। अब इज आर एम प्लस एन जी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये बदलता है पास्ट कंटिन्यूअस में। वाई ही, तो पास्ट कंटिन्यूअस वॉज वर प्लस एन जी, यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हम वॉज का यूज करेंगे। वाई ही वॉज राइंग, अगेन फुल स्टॉप, बिकॉज नाउ दिस इज अ स्टेटमेंट, दिस इज एन असर्शन, सो वी विल यूज पंक्चुएशन मार्क, फुल स्टॉप। तो ये हमने देखा है कि किस तरीके से इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हम इंडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं। तो अभी तक हमने ये देखा है कि किस तरीके से एक अफर्मेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदला जाता है, और सेकंड हमने देखा है कैसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदला जाता है। मुझे लगता है कि यहां तक आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। इसके लिए आपको एक बहुत बड़े अभ्यास की जरूरत होती है, जिसके लिए मैं आपको इस चैप्टर के एंड में आपको एक एक्सरसाइज दे दूंगा जो आपके लिए हेल्पफुल होगी, उसको आपको सॉल्व करना होगा।